फ्रेंड्स, ये है बाघा बीच। यहाँ पे किसी तरह का वाटर स्पोर्ट्स नहीं हो रहा है, मेरे दोनों पैर जल गए हैं। स्कूटर पार्क कर रहा था, बगल में किसी ने अपना स्कूटर पार्क किया, उसका साइलेंसर लाल हुआ पड़ा था गर्म होकर। मेरी दोनों पैरों की क्या बोलते हैं उसको, काफ पिंडलियाँ, दोनों काफ उसके साइलेंसर से चिपक गए। ये देखो, यहाँ की तो खाली चिपक गई पूरी उसके साथ, यहाँ वाली का पता नहीं। ये देखो, ये तो खाली चिपक गई उसके साथ। ये वाले जो है ये थोड़ा कमजला है। मतलब आज का ऐसा दिन है कि घर से निकलते ही स्कूटर पंचर हो गया। 3 किलोमीटर स्कूटर को धक्का मार करके मैंने पंचर लगवाया, तो मालूम पड़ा पंचर नहीं लग सकता, ट्यूब कट गई है, टायर कट गया, ट्यूबलेस था। 1400 रुपये का भी टायर डलवाया। अब यहाँ पे आया और मेरा पैर जल गए दोनों। भीड़ दिखाओ इनको, भीड़ दिखाओ बाघा की। हम लोगों ने बाघा के साइड से एंट्री ली है ताकि भीड़ कम मिले, पर मेन बाघा जो है जिसे लास्ट बाघा भी बोलते हैं, वो जो बाघा बीच का बोर्ड लगा है वो वाला दिखाओ कि बाघा बीच की क्या हालत है। ये कोई चप्पल छोड़ गया, छोड़ गया है, उतार के गया है। जूम करके भीड़ दिखाओ। हाँ, ये बाघा की भीड़ है और किसी तरह का यहाँ पे कोई वाटर स्पोर्ट्स नहीं चल रहा है। ध्यान से देख लो, आज संडे का दिन है, ये संडे के दिन बाघा बीच का क्या हाल है। किसी तरह का वाटर स्पोर्ट्स नहीं है और पानी में कोई भी नहीं है। मतलब जो लाइफ गार्ड है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, कोई भी आपको आदमी पानी के अंदर नहीं दिख रहा है, लहरों के अंदर नहीं दिख रहा है और वाटर स्पोर्ट्स नहीं चल रहा है। ये बाघा बीच है। लास्ट वीडियो मैंने कैलंगूट का डाला था जिसमें किसी ने कहा था कि बाघा बीच पे वाटर स्पोर्ट्स चल रहे हैं, पर देख लो नहीं चल रहे, क्योंकि चलेंगे तो सब जगह एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको भीड़ दिखाऊंगा, मैं उसमें कुछ बोलूंगा नहीं। अब आप म्यूजिक के साथ उस भीड़ को एंजॉय करो। यूट्यूबर ने इतनी कीमत अदा करी होगी कि पैर भी जला लिए, 1400 रुपये का भी एक फटका पड़ गया। और अब ये पैर पता नहीं कितने दिन तक, अब ये ना निक्कर जैसे टच कर रही ना उसको, तो और ज़्यादा वो जलन मार रहे हैं। चलो कोई नहीं, ये बाघ इसीलिए मैं नहीं आता बाघा बीच और कैलंगूट बीच। भीड़ तो अलग रीज़न है, जो मनुष्य छाई हुई है वो अलग है। नहीं, भीड़ की वजह से बाइक बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर भीड़ कम होती, बाइक कम होती, बाइक कम होती तो मेरे पैर नहीं जलते, है ना। भीड़ कम होती तो बाइक कम होती, बाइक कम होती तो उनके बीच का गैप कम होता, और गैप कम होता तो मैं आराम से मैं आराम से अपना वह स्कूटर पार्क कर सकता था। तो देखो क्या लॉजिक है, भीड़, भीड़ की वजह से पैर जलाए। ठीक है, अब ना इनको हम आगे का व्यू दिखा देते हैं। भीड़ पूरी दिख रही है कौन है? हाँ, तो चलो अब आगे जूम करूँ ना, चलो अब आगे जाके दिखाएंगे।